तो मृतक पत्रकार के परिजनों से मिले अखिलेश बोले, पीड़ित परिवार न्याय चाहता है, सरकार उनकी मदद करे। आपको बता दें लखीमपुर खीरी में रविवार को ही हिंसा का मुद्दा भी थमा नहीं है, गुरुवार को इस पर भी सियासत जारी है। एक और इस मामले में जहां न्यायिक जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। आज अखिलेश यादव ने पत्रकार रमन के परिजनों से मुलाकात की और इसके अलावा सतीश चंद मिश्रा भी लखीमपुर पहुंचे। तो आपको बता दें लखीमपुर खीरी के तुकनिया कांड में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलाकात की है और इसके बाद अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए और अखिलेश यादव ने कहा कि जिस केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जनता की रक्षा करना और उसी सरकार में गरीब और पीड़ित को न्याय नहीं मिला और इससे खराब बात क्या हो सकती है, ये निंदनीय है। वहीं तिकुनिया में हुई घटना के पांचवें दिन आज तिकुनिया में प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसान और पत्रकार के परिवार से मिलने उनके घर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। अखिलेश यादव पहले मसगई के चौकड़ा फार्म स्थित मृत लवप्रीत के घर पर पहुंचे और परिजन से करीब 25 मिनट तक उन्होंने बात की। उन्होंने मंत्री और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा कि सरकार उन्हें मुआवजे के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी, यदि पूरी नहीं हुई तो सपा सरकार आने पर पूरा मुआवजा दिया जाएगा। तो आइए अब आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, इसलिए उंगली उन पर उठी है, इसलिए जेल नहीं भेजा जा रहा है। वरना मामूली वाली घटना में आप देखो गोली मार दी गई, लोगों हत्याएं हुई हैं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस सरकार को मिली है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है, सरकार के रहते हुए न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए सिटिंग जज के मॉनिटरिंग में ये जांच हो तो परिवारों को न्याय मिलेगा।